अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द डाइट शो विद आमना। और हमारा आज टॉपिक क्या है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और वो है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर। और नाज़रीन, ब्लड प्रेशर आजकल घर घर की कहानी है और इसके बारे में आपको बताएंगे कि ये क्यों होता है और इसको बगैर दवाई के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर क्रॉनिक है तो उसके लिए ऑफ कोर्स मेडिकेशन की ज़रूरत है, बट आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके अपने ब्लड प्रेशर के लेवल्स को बिल्कुल नीचे ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ऑफ कोर्स नाज़रीन, डाइट शो सिर्फ आपका शो है जहाँ पे आपकी सेहत नंबर वन है, यानी कि आपका वेट। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप सब अपना वेट कम कर सकते हैं। वेट तो है ही हमारे इस प्रोग्राम का मेन हिस्सा, बट हर हफ्ते हम हर जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ट्वाइस अ वीक, उसमें एक ना एक टॉपिक ज़रूर रखते हैं जिसको हम फोकस करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। कई दफ़ा तो ये होता है कि हम बहुत सी रिसर्च भी करते हैं, बहुत से डॉक्टरों को के पास भी जाते हैं उस एलिमेंट उस अलामत को लेके, लेकिन हमें पता नहीं चलता, कभी जवाब नहीं मिलते। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको लेटेस्ट रिसर्च, नई चीज़ें सारी पता चल रही हैं। और ये हमारे मेरे पास जो रिसर्च है वो बिल्कुल करंट है, बिल्कुल नई है, और अमेरिका की सबसे टॉप जो क्लिनिक्स हैं वहाँ से ये फिगर्स मेरे पास आते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। हर प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड, ताकि आप अपनी अपनी इस एलिमेंट के बारे में बिल्कुल टॉप फॉर्म में रहें। और जब आपको सब चीज़ पता होगी तो आप ऑब्वियसली सही फैसला भी कर सकेंगे ना। तो चले हम ये पहले डिस्कस करते हैं कि क्या है फैक्टर्स, क्या क्या कॉज करता है ब्लड प्रेशर, किन चीज़ों से होता है ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि आजकल बहुत कम उम्र में, यानी कि 25 साल से लेके, या मर्द हजरात ख़ास तौर पर, उनको जब वो आते हैं अपना चेकअप वगैरह कराने तो ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, तो वो उनको पता ही नहीं चलता कि उनको क्यों सर में दर्द हो रही है, कैसे हो रही है। ऑब्वियसली वो एज, अपनी एज जब देखते हैं तो ऑब्वियसली वो इतना हेडेक्स जो हैं वो कहते हैं अच्छा चलो मे बी पोल्यूशन है और फैक्टर्स हैं, कभी उनको ख्याल ही नहीं आता कि ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। सो डॉक्टर जब उनका जीपी कहता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, तो जब चेक कराते हैं तो इतना रेज्ड होता है, इतना हाई होता है कि क्यों होता है। एक तो जेनेटिक्स, पेरेंट्स को अगर है तो फिर आप में हो सकता है, उसमें आपको ख्याल करना है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रोसेस्ड खाना बहुत खा रहे हैं, यानी कि जंक फूड, बाहर का खाना, डब्बे वाला खाना, कैंड खाना, ये तो हाई लेवल्स ऑफ सोडियम है और सोडियम इज सॉल्ट, और जब सॉल्ट की इंटेक ज़्यादा हो जाती है तो आपका पूरा बॉडी का जो बैलेंस है ना, और जो बॉडी का पूरा प्रेशर है वो बिल्कुल हेवायर हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, ये ओल्ड एज में होता है ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, जब आप परेशान हो, या हर किसी के पास कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हल भी तो इतने निकाले हुए हैं ना, और हल हर चीज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्ट्रेस लेवल्स कम करने की कोशिश करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि लंबे लंबे सांस लें और एक्सहेल करें, और जब सांस बाहर निकालें तो स्ट्रेस को सांस के साथ बाहर निकाल दें। तो वो आपका जब माइंड सेट ऐसा होगा कि मैंने तो स्ट्रेस को बिल्कुल भगा दिया, तो इसी तरीके से बहुत आराम से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन, आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, मेडिटेशन के तरीके निकालें, योगा की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो आसन हैं, जो आपको ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरा ये कि तंबाकू नोशी, ये जो है इर्द गिर्द भी नहीं होनी चाहिए, जहाँ धुआं नहीं आना चाहिए, धुएं से तो बिल्कुल दूर। पैसिव स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है। अगर आप कहते हैं स्मोकिंग डेंजरस है, तो उससे ज़्यादा डेंजरस खतरनाक चीज़ है पैसिव स्मोकिंग, यानी कि उस कमरे में होना जहाँ पे सिर्फ धुआं ही धुआं है। तो कोशिश करें कि उसको कंट्रोल करें, अपने लाइफस्टाइल को सेहतमंद बनाएं। और लाइफस्टाइल को सिर्फ आप इसी वक्त से बदल सकते हैं अगर आप ये नई थोड़ी सी चेंजेस लेके आए। जब आप चेंजेस लेके आएंगे, आपको खुद लगेगा कि वाकई मेरा मूड भी बड़ा अच्छा है, मेरा वज़न भी गिर रहा है, और मुझे ब्लड प्रेशर भी नहीं हो रहा, और मैं खा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, खाने की इंटेक भी हो रही है, क्योंकि पोटेशियम वाले, अभी मैं आपको खाने बताऊंगी जो ब्लड प्रेशर में ख़ास तौर पे लेने चाहिए, वो होते हैं पोटेशियम
जो जो विटामिन पोटेशियम मिनरल होता है, जो जहाँ से जिन सब्जियों से और फलों से आपको पोटेशियम मिलता है, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगी, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर घर में, उनको ये चीजें जरूर दें। हम साथ ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं जी? कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है जी। हम वापस आ जाते हैं, तो अभी हम पोटेशियम के फूड्स डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपको थायराइड की तकलीफ है या किडनी की तकलीफ है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर आपका रेज्ड हो सकता है, यानी कि हाई हो सकता है। तो अगर आपको ये पता हो तो फिर आप अपने जीपी के साथ डिस्कस कर सकते हैं जी। वाकई अगर किडनी की चीज़ है तो फिर डॉक्टर को ज़रूर कहें कि जी ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें जाएँ, जब भी उसको विज़िट करने जाएँ ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएँ, उसका एक चार्ट बनाएं कि हाँ मैंने इस तारीख को मेरा, मैं डॉक्टर के गई थी और मैंने ये मेरा ये ब्लड प्रेशर का के फिगर्स थे। तो जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे दोबारा रिविजिट करने डॉक्टर साहब को, तो उस वक्त आप दोबारा नोट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा, वो डॉक्टर आपको खुद ही बता देंगे कि कितना फर्क है। और उस दौरान आप ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि अपनी डाइट में कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को बगैर दवाई के। लेकिन दवाई ऑफ कोर्स तब लेते हैं जब जेनेटिक होता है, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, तो उसमें अगर डॉक्टर महसूस करे कि जी एक गोली देनी ही है रात को, तो फिर वो ऑब्वियसली वो बेहतर जानते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा डॉक्टर्स यही कहते हैं, और वो हमारा काम होता है न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस जो हैं, वो आपको बगैर दवाई के आपका ब्लड प्रेशर कम करके देते हैं और आपको बताते हैं कि जी आपने लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करनी है, जैसे कि आपने एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करनी है। और अभी एक्सरसाइज के बारे में बहुत ज़रूरी आपसे मैंने एक बात करनी है जी। अस्सलाम वालेकुम, एक कॉल ले लेते हैं। वालेकुम सलाम मामला जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र जी। बताइए कौन बोल रहे हैं जी? मैं समरीन बात कर रही हूँ। जी जी समरीन, कैसी हैं? जी 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 समरीन जी, मेरी 19 ईयर एज है और मेरा 73 केजी वेट है। ठीक है। और अम्मी अबू हेरिडिटरी में है ना, वेट भाई का सबका वेट गेन है। अच्छा सबका है, ठीक है। आप कहाँ पे आपकी रिहाइश है? कराची में, लाहौर में? नहीं, शहदादकोट में, हमारी लड़का के करीब, और कराची में मेरी बहन रहती है भाई। तो आप जब कराची हैं तो आप मेरी क्लिनिक में आए जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में, और वहाँ पे मुझे दिखाएं ताकि मैं सही तरीके से आपका इलाज कर सकूं। अच्छा, वो मेरी बहन कराची रहती है, वो मेरी डे, लेकिन हम गाँव में रहते हैं। ठीक है, तो जब भी आपका कराची आना हो आप जरूर आए और जियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में आए, मेरी क्लिनिक में आए। मुझे डाइट प्लान ईमेल पर ही भेजते हैं जी, हम भेजते हैं आप एड्रेस, लेकिन बेहतर, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप दिखाएं। ऑब्वियसली जब मैं देखूंगी तो बेहतर तरीके से इलाज होगा, लेकिन ऑफ कोर्स डाइट प्लान आपको ज़रूर मिलेंगे। और आप अपने एड्रेस जो है वो नोट करवा दीजिए, डाइट प्लान मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है जी, हम एक और कॉल लेंगे जी लाइफस्टाइल चेंजेस डिस्कस करने से पहले। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बख्तावर बात कर रही हूँ कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम बख्तावर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र जी। बताइए। मैंने इतनी ट्राई की है आपकी कॉल करने के लिए, बहुत कोशिशें की हैं, आज हो गई, यकीन नहीं आ रहा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। बताइए क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं? मेरा वेट बहुत बढ़ गया, 71 हो गया है। ओके जी, मेरे 2 सीजर हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, ये तो ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो आराम से वजन जो है वो घट जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात। प्लीज मुझे डाइट प्लान चाहिए। आपको डाइट प्लान भी मिलेगा, अगर आप कराची में तो आप मेरी क्लिनिक में तशरीफ लाएं और वहाँ पे अपना इलाज कराएं। एक इंशाल्लाह जरूर, पर मुझे डाइट प्लान प्लीज पहले दे दीजिए। ठीक है, ताकि मैं अपना वजन वो कर सकूं। बिल्कुल आप कर सकेंगी, आप प्लीज़ लाइन पर रहिएगा और कंट्रोल रूम में अपना नाम और नंबर नोट करवा दीजिए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जी क्यों होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि आप तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें, बहुत ज़रूरी है, और उसकी जो स्मोक इर्द गिर्द है उससे तो बिल्कुल ही दूर रहें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर खाने में बहुत ज़्यादा सोडियम है, फास्ट फूड खा रहे हैं, डब्बे वाला खाना खा रहे हैं, कैंड खाना खा रहे हैं, उसमें सोडियम लेवल्स बहुत ऊँचे चले जाते हैं, आपको
टेबल सॉल्ट एक्स्ट्रा जो टेबल पे सॉल्ट पड़ा होता है और हम नमक छिड़क रहे होते हैं खाने के ऊपर, वो बिल्कुल आपने बंद करना है। वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे ये कि अगर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं प्लीज़ उसको कम करें, बिकॉज ज़्यादा कैफीन जो है उससे भी ब्लड प्रेशर लेवल्स जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि किडनी की अगर प्रॉब्लम है और अगर थायराइड है उसमें भी ब्लड प्रेशर रेज हो सकता है। दूसरी बात यह है कि एक्सरसाइज करनी बिल्कुल लाजमी है। वजन तो आपका घटेगा लेकिन ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा अगर आप 30 से 40 मिनट रोज ज़रूर वॉक करें। ज़रूरी नहीं है पूरे सात दिन करें लेकिन कम अज़ कम 6 दिन तो ज़रूर करें। और ऐसे मत करें कि पूरा हफ्ता वॉक की नहीं और जब टाइम मिल गया सैटरडे या छुट्टी वाले दिन उस दिन जाके पूरे हफ्ते की कसर निकाल ली, यानी कि 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि बॉडी को आदत नहीं है। और इतना ज़्यादा जब स्ट्रेस एक्सरसाइज का पड़ता है बॉडी के ऊपर तो फिर बॉडी जो है वो क्रैकअप कर जाती है, बॉडी यूज टू नहीं होती। तो इसीलिए रेगुलरली करें और कंसिस्टेंटली करें, यानी कि रवानी में करें और लगातार करें तभी उसका फ़ायदा होगा। कंटिन्यूसली उसको आप मॉनिटर करें अपने ब्लड प्रेशर को और उसके साथ एक्सरसाइज ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। जी हम आ जाते हैं खाने के ऊपर, कौन से खाने हैं जो ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर वालों को अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। वक्त हुआ जी एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके वो सारे खानों की लिस्ट आपको दी जाएगी। डोंट गो अवे, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द डायट शो विद आमना और आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। दो किस्म की हाइपरटेंशन होती है, यानी कि दो किस्म के ब्लड प्रेशर होते हैं, या तो हेरेडिटरी होता है, जेनेटिक होता है, या लाइफस्टाइल की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, और दूसरा जो ब्लड प्रेशर वो होता है जो आपको किसी बीमारी की वजह से हो, या तो कोई किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन्स हो, या थायराइड हो, या हार्ट डिजीज़ हो। बेसिकली ये चीज़ें जो हैं अगर इनमें से आपको कोई एलिमेंट है या बीमारी है तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। हम नाज़रीन ब्लड प्रेशर को बग़ैर दवाई के कैसे कम कर सकते हैं, वो काम है न्यूट्रिशनिस्ट का, डाइटिशियन का, और वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी फल और सब्जियां आप रख सकते हैं। बेसिकली केला जो है वो हाई लेवल इन पोटेशियम है, तो पोटेशियम जो है वो सोडियम कम कर देता है, तो जब सोडियम ही नहीं होगी डाइट में, कम होगी तो ब्लड प्रेशर कैसे होगा, है ना। तो केले को शामिल करें, ख़ास तौर पे पालक को बहुत ज़्यादा शामिल करें, और खुमानी जो ड्राई वाली खुमानी होती है वो आप अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा दही का इस्तेमाल बहुत करें, मछली का इस्तेमाल बहुत करें, दूसरा मशरूम्स खाएँ, बीन्स, यानी कि कितने किस्म के, 4-5 किस्म के हमारे पास बीन्स हैं, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, दूसरे चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, बीन्स जितना ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल करें वो बहुत अच्छा। और कई दफ़ा तो ये करें कि सिर्फ सब्जियों का लंच करें, यानी कि सब्जियों दालें बनाएं, सब्जी बनाएं, उसका लंच करें सिर्फ चपाती के साथ, चक्की के आटे की, और कोई गोश्त, चाहे वो चिकन हो चाहे वो रेड मीट हो, बल्कि रेड मीट तो आपने लेना ही नहीं है। ऑफकोर्स डैश जो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन एक डाइट है जो डिज़ाइन की गई है ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट डाइट डिज़ाइन करते हैं डैश के ऊपर। और उसमें यही हम जोर यही देते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल कर ही रहे हैं और ऑफकोर्स एक्सरसाइज करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मज़ेदार चीज़ और अपनी फेवरेट चीज़, चाहे वो फास्ट फूड ही क्यों ना हो, कभी खा ही नहीं सकते, नहीं ये हो ही नहीं सकता। खा बिल्कुल सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी, कितना खा रहे हैं और कब कब खा रहे हैं, तो उस चीज़ का ख़ास ख्याल करना होगा कि कब खा रहे हैं और उसकी प्लेट की मिकदार कितनी है और वो क्या है, और वो फ्राइड है या नहीं है, या वो पहले पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, ये भी आपको चेक करना है कि वो खाना जो है आज आपको, आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ये खाने की जगहें हैं ये लोग, इनको कोई चेक करने वाला ही नहीं है, और जब कोई चेक नहीं करेगा तो वो अपनी मर्ज़ी भी करेंगे, लेकिन आपकी सेहत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, आप जो हैं वो सबसे ज़्यादा और आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। तो इसलिए आपको अपनी ख्याल करने के लिए, अपना अपना जो पूरा सेटअप है उसको देखने के लिए आप चेक करें कि हाँ भाई ये जगह ठीक है, लग रहा है साफ़ है, और मुझे लग रहा है कि किचन भी साफ़ है, तो वहाँ से खाना लें। लेकिन ये ज़रूर कोशिश करें कि प्रोसेस्ड खाना
की इंटेक जो भी हो रही है वो कम से कम हो रही है। जब आपकी खाने की प्रोसेस खाने की इंटेक कम होगी ऑब्वियसली सोडियम के लेवल्स ऑटोमेटिकली कम होंगे। दूसरी बात ये है कि बेक्ड पोटैटोज स्किन के साथ आलू का इस्तेमाल करें, बेक करें अवन में। तो जब अवन में बेक करेंगे आपको पोटैटो जो है वो नशास्ता ज़रूर है लेकिन वो उसके जो उसमें गजाइत भी भरपूर है आपको पता है, लेकिन उसकी अगर मकदार हम एक आलू मीडियम वाला खाएंगे दिन में उससे कुछ भी नहीं होगा। आप उसको बेक करें, फॉइल में डालें, थोड़े से कांटे से प्रिक करें और अवन में डालें जो अवन पहले से आधा घंटा गर्म हो और उसको बेक करें और निकालें और उसको किसी भी दही के साथ मिला के खाएं, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला लगा लें। इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस और तरीके हैं हेल्दी खाने के। कोशिश करें कि कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें फ्रेश जूस पिएं, और फ्रेश जूस से मेरा मतलब है कि घर में निकला हुआ बिल्कुल फ्रेशली स्क्वीज्ड, और अगर सीजन में नहीं है तो मत पिएं। सीजन के फल खाएं, सीजन की सब्जी खाएं और जो जूस भी है वो भी सीजन का होना चाहिए, बिकॉज अगर सीजन का नहीं है तो वो आपको फ़ायदा तो क्या देगा, नुकसान ही देगा। तो वही चीज़ आप ये देखें कि जो चीज़ आप अपने फ़ायदे के लिए पी रहे हैं वो नुकसान देगी। तो इसीलिए अगर सब्जियों का भी जूस आप निकाल के पिए उससे तो सारा आपकी बॉडी से एसिड निकल जाता है। आपको पता है कि अगर आप बॉडी से सारा एसिड निकाल देंगे तो आपका वज़न भी कम हो जाएगा। और एसिड निकालने के लिए बड़ी अच्छी मेरे पास जूस की रेसिपी है, एक सेब, एक गाजर, एक चुकंदर। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप उसमें एक और गाजर भी डाल सकते हैं। तो अगर दो गाजर, एक चुकंदर और उसमें ज़रा सा अदरक का टुकड़ा आपने मिला लें, गाजर, चुकंदर, सेब और थोड़ी सी अदरक, ये सुबह अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप ये जूस रोज़ पिए आप 15 दिन में मुझे खुद ही फ़ोन करके बताएंगे कि आपकी कैसी कैफियत है। साथ हम लेंगे जी एक कॉल, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? कौन बोल रहा है? जी मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ, फैसलाबाद। जी जी शगुफ्ता जी फरमाइए। मैंने पिछले वीक पे आपको फोन किया था। अच्छा वो मैंने आपसे वेट के बारे में पूछा था, आपने मुझे बताया नहीं मेरा आइडियल वेट कितना, मेरा वेट कितना होना चाहिए। अच्छा। मेरी एज 20 है, हाइट मेरी 5.8। मैंने एज सुन नहीं पाई, मैं आपकी एज क्या है? एज है 24। अच्छा 24। हाइट क्या है आपकी? 5.8। माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाइट है आपकी। तो मेरा वेट शुरू से ही ज्यादा है, मैं डाइट कर करके कंट्रोल करती हूँ। शादी से पहले मैंने अपना वेट काफी कम किया था लेकिन अब बेग मेरे बेबी हुआ उसके बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। मम्मा पापा सारे ही मोटे हैं। अच्छा। वेट उनका ज्यादा। कोई बात नहीं, वो उससे जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट का, अपने इरादे पे पक्की हैं तो आप भी फटाफट आप देखिएगा मामा पापा कहेंगे कितनी जल्दी वजन कैसे कम कर लिया आपने। अच्छा मेरा वेट कितना होना चाहिए वैसे? आपका 5.9 है और अभी कितना है वेट आपका? 85। इतना ज्यादा कैसे कर लिया? वो इतना बता रही हूँ, हालांकि मैं बहुत कम खाना वगैरह मैंने किया है, वेट नहीं, पहले से मेरा वेट लूज हुआ है, मेरे कपड़े वगैरह सब लूज भी हो गए लेकिन मुझे वेट अपना आइडियल वेट करना है। आपको 68 केजीज होना चाहिए, ठीक है? और शादी से पहले मेरा यही वेट था। इतना ही होना चाहिए क्योंकि हर किसी की बॉडी का फ्रेम फर्क होता है, कोई इसी वेट के साथ कमजोर होते हैं, उनकी पे चले जाऊँ तो बहुत ज्यादा वीक लगती हूँ। नहीं नहीं यही तो मैं कह रही हूँ, बोन्स के ऊपर होता है, या तो आप मीडियम बोन्ड हैं या आपके बोन्स हल्के हैं। मैं मीडियम या लार्ज हूं, काफी बड़े बड़े मेरे शोल्डर्स आप देखें तो काफी हैं, मतलब 14 तो मेरे नॉर्मल है। नहीं नहीं ये अगर आप कह रही हैं कि आपके शोल्डर्स बड़े हैं तो वो इसका मतलब है आप बिग बोन्ड है ना? Yeah. तो इसीलिए तो थोड़ा वही वजन जो है आपके ऊपर डिफरेंट होगा और किसी और के ऊपर जिनके बोन्स नैरो हैं और पतले हैं वो और होगा। तो इसीलिए अगर आप हमें ईमेल के जरिए अपनी तस्वीर भेज दें तो और बेहतर होगा, लेकिन ठीक है हम एड्रेस आपका नोट कर लेते हैं और आपको इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर डाइट प्लान आ जाएगा। अब मजीद जो डिटेल्स आप डाइट प्लान पर हासिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं www.htv.com.pk पे, और हमारा जो फेसबुक का पेज है वो लाइक करना ना भूलिएगा, उस पर सारी आपको टिप्स और ट्रिक्स रोज आपको मिलेंगी। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो वेब एड्रेस है वो मैं दोबारा नोट करवा देती हूँ, www.htv.com.pk। तो नाज़रीन आज हमारा टॉपिक रहा है हाइपरटेंशन। आई होप कि आपको मैंने
कुछ टिप्स बताई हैं कि किस तरीके से आप दूर रह सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को एट बे रखने में, यानी कि दूर रखने में, और अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दे ही दी है तो प्लीज़ उस दवाई को छोड़िएगा नहीं, बिकॉज जहाँ पे आपने छोड़ी वहाँ पे स्ट्रोक का डर हो सकता है और बहुत सीरियस इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई पे ऑलरेडी हैं और आप उसको खुद ब खुद ही ना लें। इनफैक्ट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आपने कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ब्लड प्रेशर बहुत सिवियर चीज़ है। ब्लड प्रेशर अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो तो फौरन आप पैरालाइज और स्ट्रोक के रिस्क पे आ सकते हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर एक, इसीलिए हमने सोचा था कि आज का जो दिन है, पूरा जो शो है वो हम ब्लड प्रेशर के ऊपर डेडिकेट करेंगे, क्योंकि आज कल यंग एज में भी ब्लड प्रेशर आ रहा है, और वो इसीलिए आ रहा है बिकॉज जंक फूड और फास्ट फूड की वजह से। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला हमारे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, वज़न बिल्कुल कम कीजिएगा, और मैं हूँ यहाँ पे आपका वज़न कम करने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।